तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज आखिरकार कैमरा बहुत दिनों के बाद फेस करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं आ गया हूँ कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने, तो इसमें कुछ अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अफरोज रब्बानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कुछ तबीयत खराब था, बहुत भागना दौड़ना पड़ रहा है इस समय, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। और साथ में आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अगर आपने देखा होगा मेरी प्रीव्यू वीडियो, तो उसमें मैंने बताया कि मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था, उनको पेट में तकलीफ थी लेकिन उन्हें कुछ दर्द नहीं हो रहा था, बस सर में दर्द हो रहा था बार बार। तो मैंने सोचा उनके पूरी चेकअप कराते, तो चेकअप होने के बाद क्या हुआ कि उनके पेट में पथरी थी, लगभग 40 पथरी थी, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि शुक्र है कि आप लोगों ने चेकअप करा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करे होंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो इस समय काफ़ी अच्छी है मेरी माँ, ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लगभग डिस्चार्ज भी हो गई हॉस्पिटल से, अभी घर पे हैं और इस समय काफ़ी दर्द उर्द कम हो गया है। तो चलिए सब छोड़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, YouTube ने कुछ समय पहले निकाला था कि हम 20 फरवरी तक जिनका 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा, हम उनका डिमोनिटाइजेशन कर देंगे, उनके चैनल पे एड नहीं चलेगी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो जाहिर सी बात है, मेरा हो गया है, आज सबेरे ही हो गया है। सबेरे तक तो एड चल रहा था मेरे चैनल पे और करीब करीब 7-8 बजे मेरे चैनल से जो सिग्नल होता है डॉलर का, वो हट गया पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोग घबराइए मत और आप हमें ऐसा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जानकारी होती है शेयर करने के लिए, तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको जरूर देता रहूंगा। ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अगर आप भी YouTube पे काम करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा नहीं मिल रहा है, चाहे YouTube ने नए नए नियम कानून लगाते जा रहे हैं, तो आप इससे जरा भी घबराइए मत, ठीक है? बस आपको मेहनत करते रहना है और साथ में आपको जब भी आपका चैनल चल जाएगा तो आपको काफी फायदा होने वाला है। तो इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि YouTube नए नए तरीके लाता रहा है, ताकि छोटे यूट्यूबर को काफी दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप छोटे हैं, यानी जब तक आपसे कुछ लोग जुड़े नहीं है, तब तक ही आपको दिक्कत है। लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो चल जाएगी, उस दिन आपकी सारी जो परेशानियां हैं, जो सारी तकलीफ है, जितने आपने नीचे से ऊपर आने में झेला हुआ है, वो सब एक ही बार पूरा हो जाएगा। तो आप जरा भी इसका चिंता मत कीजिए, आप जरा भी इससे घबराइए मत, आप बस अपना 100% दीजिए और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए। YouTube पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप जरा भी मत घबराइए। बस यही कहना चाहूंगा कि आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको फल मिलना चालू हो जाएगा तो आप अपने आप देख जाएंगे कि अगर आप नीचे से मेहनत किए हैं तो उसका फल आज आपको मिल रहा है। तो आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये नहीं कि आप केवल YouTube पे काम करें, आप अपने आजू बाजू मतलब जो काम करते हैं वो करते रहिए, आप पार्ट टाइम रखिए, तो ये अच्छा होगा काफी आपके लिए। आप पार्ट टाइम रहेगा तो जब आपको टाइम मिलता है आप वीडियो बनाइए, अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, आप काफी नीचे हैं। लेकिन जिस दिन अगर आप ऊपर आ गए तब आपको इसकी फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए कभी भी इसके भरोसे मत रहिए, YouTube के कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर जाइएगा और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप और हम ही मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे काफी अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद गुड बाय बोलने के बाद।